दोस्तों क्या आपको पता है हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह अवतार का क्या हुआ? दोस्तों हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हुआ, उनका क्रोध से पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। इस स्थिति में सभी महादेव के पास गए और उनसे नरसिंह भगवान की क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। तब महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। सर्वेश्वर अवतार ने भगवान नरसिंह की क्रोध शांत करने की बहुत प्रयत्न की परंतु नहीं कर सके। तब 18 दिन तक भगवान नरसिंह और सर्वेश्वर अवतार की युद्ध चली। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ तब नरसिंह भगवान ने सोचा शिवजी ने यह अवतार उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया था। तब नरसिंह भगवान ने अपना क्रोध शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार महादेव का सर्वेश्वर रूप इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था।